Hello everyone, welcome to our YouTube channel The One Study Point. Guys, in the last lecture we have discussed about the particle in 2D box and in the 2D box we have discussed about the energy, wave function and the concept of degeneracy in 2D box. Today we will discuss about the same things in 3D box. Same things for the 3D box. Clear? That means energy, wave function and the concept of degeneracy. ये चीज़ जो है ये मैंने डिलीट इसलिए नहीं करी, ये साफ इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको मैं सेम चीज़ों को आज रिवाइज कराऊंगा और सेम चीज़ मेरे को अप्लाई करनी है किस पे 3D बॉक्स पर. किस पर अप्लाई करनी है? 3D बॉक्स पर. देखो 2D बॉक्स और 3D बॉक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2D और 3D में आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है, वेव फंक्शन के बारे में, एनर्जी के बारे में और डीजनरेसी के बारे में. यहाँ पर केवल तीन कंसेप्ट चलते हैं, बाकी औरों की तरह नहीं चलता कि वहाँ पर 1D बॉक्स की तरह कि एवरेज वैल्यू भी निकालना है आपको, उसके फीचर्स भी देखने हैं, फिर कुछ और चीज़ देखनी है, वो अपन ने वहाँ पर 1D बॉक्स में सीख लिया. बाकी इनमें जो आगे चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें चलती हैं किसमें? फिजिक्स में. फिजिक्स का पार्ट होता है बाकी का. क्लियर? केमिस्ट्री में जितना सीखना था वो हमने सीख लिया. आज जो डिस्कस करेंगे हम पार्टिकल इन 3D बॉक्स. पार्टिकल इन 3D बॉक्स क्या होता है वो देखना है, कितने टाइप का होता है वो देखना है, कौन सा पढ़ना है हमें वो देखना है, उसमें एनर्जी क्या होगी, वेव फंक्शन क्या होगा और उसमें डीजनरेसी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, ये अपन को सीखना है आज की क्लास में. ठीक है, तो आज की क्लास है अपनी पार्टिकल इन द 3D बॉक्स. मैंने आपको कल देखो डीजनरेसी बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 3D बॉक्स में भी सब कुछ सेम रहेगा जैसे अपन 2D बॉक्स में पढ़ा था. वेव फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव एंड द एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव. वेव फंक्शन जो आता है हमेशा मल्टीप्लिकेटिव टर्म में आएगा और एनर्जी हमेशा एडिटिव टर्म में आएगी. ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी? सही है. अब देखो मैंने आपको बोला था जब अपन डीजनरेसी का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो डीजनरेसी आपको क्वेश्चन में आपको एनर्जी दी और एनर्जी से आपको क्या बोलेगा, डीजनरेसी निकाली है. सही है, आपसे एनर्जी से वो डीजनरेसी कैलकुलेट कराएगा. तो आप मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है, जो आपको एनर्जी दे उस एनर्जी को जनरल एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर करो और वहाँ से आप ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर जो हैं उनकी वैल्यूज़ निकालो. उनकी वैल्यूज़ आप निकाल रहे थे. आप कल क्या कर रहे थे? ये तो कर रहे थे, आपको एनर्जी दी इतनी और आपने क्या करा उसको एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से क्या करा, कंपेयर करा. जब कंपेयर करा आपने उसको, ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको एनर्जी दी है, इससे कंपेयर करा तो ट्रांसलेशनल जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आपने निकाल ली. उनके जो स्क्वायर्स के सम थे उनकी वैल्यू आपने निकाली और उसको जनरल मैथ्स के थ्रू आप कंपेयर करते गए और वहाँ से आपने देखा कि जो जो वैल्यू आई वो आपने स्टेट्स निकाल ली उनकी. सही है, और स्टेट निकाली तो वही क्या होती है अपनी डीजनरेसी. देखो 2D बॉक्स में जो निकल के आता है वहाँ पर दो क्वांटम नंबर निकल के आते थे 2D में, अब 3D में तीन आ जाएंगे, बस इतना सा फ़र्क है. ठीक है, वेव फंक्शन वहाँ पर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आता था, यहाँ पर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, इतना सा फ़र्क है. बात करें अपन एनर्जी की तो वहाँ पर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में एनर्जी आती थी एडिटिव होकर, सॉरी एक्स और वाई में आती थी, यहाँ पर तीन में आ जाएगी, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों में, हाँ जी, एडिटिव टर्म में आ जाएगी अपनी एनर्जी. और बात करेंगे यहाँ पर अपन डीजनरेसी का. अब डीजनरेसी अपन कैसे देखते हैं वो अपन देखेंगे अब आज की क्लास में. यहाँ तक कल की क्लास में कोई दिक्कत हो तो बताओ. कल की क्लास में अपन ने 2D बॉक्स के बारे में पढ़ा था, 2D बॉक्स के बारे में अपन ने एनर्जी, वेव फंक्शन और डीजनरेसी कंसेप्ट सीखे थे. कहीं पर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है, हाँ जी, देखना भाई अब 3D बॉक्स क्या होता है. 3D बॉक्स बता दिया मैंने आपको, और सुनना भाई. जैसे अपन ने कल पढ़ा था 2D बॉक्स के बारे में, 2D बॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है स्क्वायर. एक तो होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है स्क्वायर बॉक्स. क्लियर, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा उसमें लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में. ठीक है, और स्क्वायर बॉक्स में एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ होती है वो सेम रहती है. ये अपन ने पढ़ा था. अब यहाँ पर भी अपन जो 3D बॉक्स की बात करेंगे तो 3D बॉक्स में भी अपन दो टाइप के बॉक्स की बात करेंगे, एक होता है क्यूबिक बॉक्स और एक होता है क्यूबॉइड बॉक्स. एक तो घन बॉक्स, घन, क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, और एक होता है क्यूबॉइड, इसका मतलब होता है घनाभ. तो अपन ऐसे दो टाइप के बॉक्स की बात करेंगे. क्लियर आज भी? हाँ जी, किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो बताना, फिर मैं आगे इस क्लास को आगे प्रोसीड करता हूँ. अब क्लियर, देखो सुनना ध्यान से भाई, सुनते रहना भाई आज आज ही बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हैं उनको सीखना. क्लियर है, देखो सुनते रहना भाई. 3D क्यूबिक बॉक्स, पहले तो मैं आपको जनरल बता दूं कि बॉक्स जो होगा, बॉक्स 3D बॉक्स में अपन लेते हैं दो टाइप के बॉक्स, एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड. क्यूब का मतलब हो गया कि मतलब सारी भुजाएं, उसके एक्स डायरेक्शन में चले जाओ, वाई डायरेक्शन में चले जाओ, जेड डायरेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको हमेशा सेम लेंथ मिलेगी. सही है, मतलब ए बी और सी, सपोज करो एक्स डायरेक्शन में बॉक्स की लेंथ है ए, वाई डायरेक्शन में बॉक्स की लेंथ है बी और जेड डायरेक्शन में बॉक्स की लेंथ है सी.
तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये जब होता है तो अपन बोलते हैं दैट बॉक्स इज द क्यूबिक बॉक्स, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो अपन इसको बोलते हैं क्यूबॉइड बॉक्स। क्लियर है? अपन जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे 3D क्यूबिक बॉक्स के, केवल किसकी बात करेंगे, 3D क्यूबिक बॉक्स। अपन 2D की तरह नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर की बात करें और फिर अपन उस पर आ जाएं, नहीं, अपन सीधे किसकी बात करेंगे, 3D क्यूबिक बॉक्स की। क्लियर है चीज़? इसलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ 3D क्यूबिक बॉक्स। हेडिंग डाल लो भैया 3D, हाँ जी, क्यूबिक बॉक्स, लो भैया। हाँ जी, समझना इस चीज़ को, समझना भैया। देखो, मैंने बनाया है, कोई क्यूब बनाया, मैंने मैंने क्या करा, कोई क्यूब बनाया, देखो क्यूब बना रहा हूँ मैं, देखना भाई, यार ये क्या हो जाता है थोड़ी बहुत कई बार। हाँ जी, देखो 3D क्यूबिक बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये मेरी लेंथ है ए, ये है मेरी विड्थ हो गई, इसको भी मैं क्या मान रहा हूँ, ए मानूंगा, सही है? हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया अब ये, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये, इसको भी मैंने कितना माना है, ए। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में चले जाओ चाहे वाई डायरेक्शन में चले जाओ चाहे जेड डायरेक्शन में चले जाओ, मैंने क्या माना है उसको, ए माना है उस लेंथ को, मैंने क्या माना है, ए। क्लियर है चीज़? बोलो, हाँ जी सही है। देखो सुनना ध्यान से, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक्स डायरेक्शन की और वाई की और जेड की, तो एक्स डायरेक्शन में जो मेरी लेंथ होगी वो क्या आएगी, एक्स डायरेक्शन में, सुनना देखो, एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है मेरी वो क्या है, जीरो से लेकर ए तक। क्लियर है चीज़? वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ तो वाई डायरेक्शन में भी मेरी लेंथ क्या है, जीरो से लेकर ए, और जेड डायरेक्शन में भी क्या है, जीरो से लेकर ए। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की यहाँ पर, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बताओ भाई, नहीं है? और मैंने आपको बता रखा है इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, जैसा 1D में पढ़ा, जैसा 2D में पढ़ा, वैसे अपन 3D में पढ़ रहे हैं, सही है? इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो, सही है? एल्सवेयर, इसके अलावा कहीं पर भी चले जाओ, एल्सवेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। उसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, सही है? देखो भाई आगे चलते हैं अपन और। हाँ जी देखो, अब मैं वेव फंक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वेव फंक्शन की। ये चीज़ आपके समझ में आ गई, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी रामायण नहीं है, नॉर्मल है। अब देखो मेरे को वेव फंक्शन लिखना है इसका, तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो साई nx ny nz मैं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, तीन क्वांटम नंबर लिखूँगा, nx ny और nz, ठीक है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में। क्लियर है चीज़? हाँ जी, तो यहाँ पर जब मैं इनको लिखूँगा तो वेव फंक्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, साई nx डॉट साई ny डॉट साई nz, ये लिख दिया मैंने। क्लियर है चीज़? देखो सुनना ध्यान से, साई, हाँ जी देखो भैया, और इधर लिख देता हूँ 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स, सही है? समझ जाना इसको अब आप, nx ny nz, सही है? और 3D क्यूबिक बॉक्स, लो भैया पूरा लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो nx के जब मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, रूट 2 by a साइन nx पाई x by a, सही है? बोलो भैया, हाँ जी। फिर मैं लिखूँगा z डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए रूट 2 by a साइन ny पाई y डिवाइडेड बाय a, सही है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको एक तो यहाँ लिख सकता हूँ, एक नीचे लिख दूँ तो क्या दिक्कत रहेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो अंडर रूट 2 by a साइन nz पाई z डिवाइडेड बाय a। लो भाई ये आ गया मेरा वेव फंक्शन, ये क्या आ गया मेरा वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को मैंने डब्बे में क्या कर दिया, बंद कर दिया भैया। लो भाई ये मेरा 3D क्यूबिक बॉक्स का क्या है, वेव फंक्शन, ये मेरा क्या है, 3D क्यूबिक बॉक्स का वेव फंक्शन है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, सही है? ये निकालना सबको आ गया भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। ये x डायरेक्शन का है, ये y डायरेक्शन का है, ये z डायरेक्शन का है, सही है? अब मैं यहाँ से एनर्जी निकाल रहा हूँ। देखो एनर्जी, एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव, सबको पता है भैया एनर्जी क्या होती है, इज ऑलवेज एडिटिव।
3D क्यूबिक बॉक्स, सही है। लो भाई देखो मैं क्या लिखूंगा, nx प्लस ny प्लस nz, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इनकी एनर्जी को लिखूंगा आगे। लो भाई अलग अलग करके लिख देता हूँ, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एच स्क्वायर, हाँ जी पहले कैसे लिखूँगा, एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, लो भैया, प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट एम ए स्क्वायर, लो भैया, प्लस एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट एम ए स्क्वायर, सही है। अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर लो उसको, बाहर लो भाई एनर्जी। हाँ जी 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स इसकी निकालनी है, क्या आएगी, यहाँ से कॉमन ले लो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट एम ए स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा भाई, देखो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, लो भैया ये एनर्जी निकाल ली अपन ने, ये एनर्जी निकाल ली। अब देखना भाई, सुनना ध्यान से भाई, देखो देखना भाई, सुनो ध्यान से, अब ये अपन एनर्जी निकाल ली। अब यहाँ पर अपन लेते हैं, देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी अपन 2D और 3D बॉक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन केवल तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं वेव फंक्शन के बारे में, वेव फंक्शन क्या होगा उसका, दूसरा पढ़ते हैं अपन एनर्जी के बारे में, और तीसरा पढ़ते हैं अपन डीजनरेसी के बारे में, क्लियर। तो देखो अपन ने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब अपन लेते हैं डीजनरेसी का कंसेप्ट, क्या लेंगे, डीजनरेसी का कंसेप्ट, सही है। देखो डीजनरेसी अपन कैसे इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी अपन किसी 2D या 3D में सिमेट्री इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर अपन स्क्वायर या क्यूबिक बॉक्स लेते हैं तो उस केस में डीजनरेसी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। और डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी, क्लियर। एक एनर्जी लेवल पर, सेम एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट का एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है, डीजनरेसी कहलाता है, सही है। देखो सुनना ध्यान से, अब अपन लेते हैं यहाँ पर, पहले आपको ये जो निकालना है डीजनरेसी का कंसेप्ट, ये अपन किससे निकालते हैं, एनर्जी से। देखो जो कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी है, कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी, हाँ जी देखना इसको, कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी के बारे में सुनना भाई, कंसेप्ट ऑफ डीजनरेसी ये अपन एनर्जी से निकालते हैं। और एनर्जी क्या है अपनी, एनर्जी 3D क्यूबिक बॉक्स के लिए, एनर्जी 3D क्यूबिक बॉक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो हाँ जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, क्लियर है, ये हो गई। इसी को अगर अपन उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अपन किस फॉर्मेट में, जो एच कट स्क्वायर का फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर करना और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब इतना अपन कोई बच्चे नहीं है, क्वांटम अपन बहुत कुछ सीख सके क्वांटम में, ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं है, अब आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। देखो मैटर अगर याद होगा तो आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको लेता हूँ डीजनरेसी कंसेप्ट में, मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं डीजनरेसी को क्या करूँगा, शो करूँगा यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी लेवल बना रहा हूँ और वहाँ से मैं डीजनरेसी शो करूँगा। देखो कैसे, सुनना भाई ध्यान से, सुनते रहना भाई बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, 3D में तो आपको डीजनरेसी बहुत ध्यान से सुननी है भाई, क्लियर है। देखो हाँ जी, लो भाई सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट क्या होगी भाई, 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1, इससे कम तो आ नहीं सकती, मतलब मैं 1 1 1 ले रहा हूँ, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 1 3 हो गया, तो 3h² अपॉन 8ma² यहाँ पर क्या आ जाएगी एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए। लो भैया 3h² डिवाइडेड बाई 8ma², ये एनर्जी निकल के आई। अब इस एनर्जी के लिए आपको पता है कि स्टेट कितनी निकलेगी, सबकी वैल्यू 1 1 1 है, सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखना इधर, देखो भाई 1 1 1 ये निकल के आएगा, यहाँ पर क्या निकल के आएगा 1 1 1, इसका मतलब जो डीजनरेसी होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी डीजनरेसी 1, सही है। देखो यहाँ पर जो डीजनरेसी आ रही है कितनी आ रही है 1, g = आपको पता है जैसे जो डीजनरेसी होती है उसको मैं
जी से डिनोट करता हूँ, किससे करता हूँ, जी से डिनोट, डीजनरेसी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द जी, क्लियर। देखो ये एनर्जी आई कितनी आई इसकी, 3h² / 8mL², ठीक है। यहाँ से जब अपने 1 1 1 रखा, स्टेट कितने निकल के आई, एक स्टेट, तो डीजनरेसी कितनी होगी 1। अब एनर्जी अपन इंक्रीज करते हैं, देखो इसमें बढ़ाओ, किसी भी एक को 2 कर दो, 2 कर दो, उससे ज़्यादा करना मत, और एक 2 से कम कर नहीं सकते, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर भी क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया 2 1 1 2 1 1, सही है। और कितना निकल के आया एनर्जी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर मतलब 6 हो गया, क्लियर। तो अब एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 6h² / 8ma², क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर जो डी जनरेसी निकल के आई, कितनी स्टेट निकल के आएंगे, देखो 2 1 1 है, ठीक है 2 1 1, तो एक बार तो इसकी वैल्यू 2 रख दो, बाकी 1 1 रख दो, एक बार इसकी वैल्यू 2 रख दो, इन दोनों को 1 1 रख दो, एक बार इसकी 2 रख दो, इसको 1 1 रख दो, सही है। ध्यान रखना कितनी स्टेट हो गई, 3 हो गई, 2 1 1 1 2 1 और एक 1 1 2। देखो अब कौन कौन सी स्टेट बनी, एक तो बनी 2 1 1, देखते रहना भैया 2 1 1, ठीक है। एक क्या बनेगी 1 1 2, एक क्या बनेगी, हाँ जी 1 2 1, लो भैया ये स्टेट निकल के आई अपने सामने, 1 2 और 3, और यहाँ पर एक स्टेट निकल के आई ये, सही है। अब एनर्जी और इंक्रीज करो, अब एनर्जी आप इंक्रीज करोगे और, तो देखो कितनी बजेगी, इसकी वैल्यू 2 करो, इसकी वैल्यू 2 कर दो, इसकी वैल्यू 1 कर दो, करो 2 2 4, फिर 2 2 4 8, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, मतलब 9 बनी। यहाँ पर आप 3 करके देखो एक बार, 3 का स्क्वायर 9, और 1 10, और 1 9 और 1 10 और 1 11, एक को 3 रखोगे 1 1 रखोगे तो 3 की 9 और 1 10 और 1 11, मतलब 11 ज़्यादा बन गई। इसका मतलब अपन क्या रखेंगे, 2 2 1, क्या रखेंगे 2 2 1। देखो अगली जो एनर्जी निकल के आएगी क्या निकलेगी, 2 2 1, मतलब 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब 8 और 1 9, ठीक है 9h², लो भैया 9h² / 8ma², ये एनर्जी निकल के आई। अब इसके लिए स्टेट देखते हैं अपन, देखो क्या है 1, अब है 2 2 1 है, कितना है 2 2 1, तो इसके लिए स्टेट कितनी निकलेंगी, देखो भाई 2 2 1, एक स्टेट आ गई, 2 1 2, दो स्टेट आ गई, सही है, और एक आ गई भैया 1 2 2, क्या आ गई 1 2 2, ये तीसरी स्टेट आ गई भाई, एक स्टेट, दो स्टेट और 3 स्टेट, सही है। अब यहाँ पर जो डीजनरेसी आई कितनी आई भैया, देखना इधर, देखो इसके लिए कितनी डीजनरेसी है 3, मतलब g = 3, इसके लिए कितनी आई g = 3, लो भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ भाई, सही है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, सिंपल सी बात, जब भी कभी दो सेम नंबर हो एक डिफरेंट हो, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है, जब भी दो नंबर सेम हो, दो नंबर तो सेम हो एक डिफरेंट हो, देखो यहाँ पर देखो दो नंबर सेम है, 1 1 है एक अलग है, 1 1 है एक अलग है, 1 1 एक अलग है, इधर देखो दो नंबर सेम है तो 2 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जब दो नंबर सेम होते हैं एक डिफरेंट होता है तो उस केस में डीजनरेसी में 3 निकल के आएगी, उस चीज़ से डीजनरेसी कितनी आएगी 3। देखो यहाँ पर अपने नंबर लेते 1 1 2, मतलब दो सेम थे एक था, तो डीजनरेसी कितनी है 3। यहाँ पर देखो 2 2 1, मतलब दो नंबर सेम है एक डिफरेंट है, तो डीजनरेसी कितनी निकल के आई 3। लेकिन अगर तीनों नंबर डिफरेंट हो भाई तीनों के तीनों, तो उस केस में डीजनरेसी कितनी आ जाती है 6 आ जाती है, कितनी आ जाती है 6। ये अपन निकाल के देखेंगे कैसे आएगी वो, उसको भी अपन देखेंगे एक बार, ठीक है। अब एनर्जी इंक्रीज करो, अब एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से देखो, अब 9 के बाद कितनी एनर्जी आ सकती है, 9 के बाद एक बार 2 2 2 रख के देखो, सब जगह इधर 2 रखा, इधर 2 रखा, इधर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 12 हो गई, 9 के बाद कितनी आ गई 12, क्या इससे कम आ सकती है और, वो देखेंगे अपन। इसके 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 3 1 1 रखो, 9 + 1 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, मतलब 11 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 और 1 11, इसका मतलब अपन क्या रखेंगे 3 1 1 रखेंगे, अपन 2 2 2 नहीं रखेंगे, अपन क्या रखेंगे 3 1 1। तो कितनी आ रही है यहाँ पर 11h² / 8ma², सही है, 11h² / 8ma² इसकी एनर्जी आ रही है, क्लियर है चीज़। देखो स्टेट कितनी निकली, 3 1 1 है, तो 3 1 1 3 1 1, लो भैया 3 1 1 आ गया, और 1 3 1 आ गया, हाँ जी, और 1 1 3 आ गया, एक स्टेट, दो स्टेट और 3 स्टेट, कितनी स्टेट निकल के आ गई 3, सही है। अब और देखते हैं, देखो इसके लिए डीजनरेसी कितनी आई, मैंने फिर से बोला आपसे कि दो नंबर सेम होते हैं एक डिफरेंट आता है, तो डीजनरेसी में से कितनी निकल के आएगी 3, इसको याद कर लेना भैया,
अच्छा कंसेप्ट है, दो नंबर सेम एक डिफरेंट, दो सेम एक डिफरेंट, डिजेनरेसी कितनी आएगी, तीन, क्लियर है। अब देखो और आगे बढ़ो, अब इसके बाद अपन ने सबको क्या रखा था, दो 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 रखा था, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तो कितना आया था 12। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, 12 h² / 8 m² नहीं, वही h ही है, ठीक है, गलती से बुलाना गया अभी। देखो देखने दे, अब इसके लिए जो स्टेट निकल के है वो क्या है, 2 2 2, दैट मीन्स बीच में रख देता हूँ उसको, 2 2 2, ये लो भैया, एक ही स्टेट निकल के आएगी, कितनी निकल के आई है, एक, क्योंकि अपन चेंज नहीं कर सकते, ये लो भैया, इसका मतलब यहाँ पर जो डीजेनरेसी कितनी आ गई, यहाँ पर 1, ध्यान रखना 2 2 2 में डीजेनरेसी कितनी आ गई वापस से 1। एक बार अपन और ऊपर कर लेते हैं ताकि थोड़ा और नई चीज़ समझ में आए अपने। देखो सुनना ध्यान से, अब बढ़ाओ इस एनर्जी को आप, 12 के बाद कितनी बढ़ा सकते हैं अपन, 2 2 2 रख दिया अपन ने, कितना रख दिया, 2 2 2, अब अपन रखते हैं यहाँ पर, इससे एनर्जी बढ़ाते हैं अपन, 2 2 3 रखेंगे तो वो तो रखेंगे नहीं, अपन क्या रखते हैं, 3 1 1 रख ही लिया अपन ने, अब एक बार रखते हैं अपन 1 2 3, क्या रखते हैं, 1 2 3, तो इससे थोड़ी बड़ी आ जाएगी वो, 1 2 3, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 4 13 और 1 14, ये इससे नेक्स्ट लेवल है, क्या है, एक की वैल्यू 1 रख दो, एक की 2 रख दो, किसी भी एक की 3 रख दो, क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 1 2 3, मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, मतलब ये लो भैया 14 h² / 8 ma² 14 आ गया भैया। इस 14 के लिए अपन ने जो नंबर रखे थे वो क्या रखे थे, 1 2 और 3। अब देखो सुनना, देखो ध्यान से, 1 2 और 3 जब आता है, 1 2 3, इसको अपन कैसे स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, कितनी स्टेट बनाएंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर दो नंबर सेम आते हैं और एक डिफरेंट आता है तो वहाँ पर अपन डीजेनरेसी 3 रखते हैं। अब यहाँ पर तो तीनों नंबर ही डिफरेंट आ गए, जब तीनों नंबर डिफरेंट आते हैं तो उस केस में अपन डीजेनरेसी 6 मानते हैं, कितनी मानते हैं, 6। इसको देखो, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कंसेप्ट, लेकिन एक बार अपन इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि निकालेंगे कैसे इसको। देखो नंबर आया 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए कैसे करोगे, पहले आप क्या करना, देखो पहले जैसे 1 2 3 लिख दिया आपने, 1 2 3, आप क्या करो, एक नंबर को कॉन्स्टेंट रखो, बाकी को चेंज करते जाओ। लो भैया एक को कॉन्स्टेंट रखा, 1 को आपने कॉन्स्टेंट रख लिया, बाकी को चेंज करो, इनको पलट दो, 1 2 3 है तो 3 और 2 को पलट दो, 1 3 2। लो भैया एक तो ये आ गया, अब किसी दूसरे नंबर को लो, अब आपने 1 को ले लिया, अब 2 ले लो, 2, अब इससे जो बचा उसको लिख दो, 1 2 1 और 3 बचा। लो भैया अब इस 2 को वापस से कॉन्स्टेंट रखो, 2 को कॉन्स्टेंट रखा, आगे देखो, हाँ जी 1 3 है, 1 3 का मतलब इसको 3 1 कर दो। लो भैया 1 को कॉन्स्टेंट रख लिया, दो बार 2 को रख लिया, अब 3 को कॉन्स्टेंट रख लो, 3, अब क्या बचा, 1 2। लो भैया 1 2 बचा, अब इसके अलावा इनको पलट दो, इसको कॉन्स्टेंट रख के। लो भैया देखो ना भैया, देखना भैया 3 2 1। लो भैया इससे आप 6 स्टेट निकल गए आपकी, 1 2 3 4 5 6। देखो क्या करा मैंने, एक नंबर को कॉन्स्टेंट रख के दोनों को पलटा, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट रख के फिर दोनों को पलटा, फिर तीसरे को कॉन्स्टेंट रख के फिर दोनों को पलटा, ऐसे मैं 6 स्टेट निकाल रहा हूँ। और वैसे आप याद कर लेना इसको कि 6 स्टेट कैसे आती हैं, जब मेरे दो नंबर सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है तो डीजेनरेसी कितनी आती है, 3, अगर मेरे तीनों नंबर डिफरेंट होते हैं तो डीजेनरेसी कितनी आती है, 6, क्लियर है। यहाँ पर कितनी आएगी डीजेनरेसी, 6, कितनी आएगी यहाँ पर डीजेनरेसी, 6। लो भैया कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताओ। हाँ जी भाई सही है, इसमें किसी भी तरीके का किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये डीजेनरेसी का कंसेप्ट थे अपने इन द 3D क्यूबिक बॉक्स, क्लियर। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने आगे के डाउट सारे क्लियर हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। हाँ जी देखो, उतारो उसको एक बार, देखो देखना भाई, देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 3D क्यूबिक बॉक्स की। 3D क्यूबिक बॉक्स में अपन देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर तीनों लेंथ x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में तीनों सेम होती हैं, जिनको अपन a मानते हैं, क्लियर। वेव फंक्शन की बात करें तो अपन तीनों डायरेक्शन के जो वेव फंक्शन होंगे उनको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव कर देंगे, और ये अपना वेव फंक्शन निकल के आता है x, y और z डायरेक्शन का, ये वाला, क्लियर। एनर्जी हमेशा कैसी होती है, एडिटिव होती है, तो तीनों डायरेक्शन की एनर्जीज को अपन क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अपनी एनर्जी निकल के आती है जो तीनों क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है इस तरीके से। फिर अपन ने क्या करा, यहाँ पर इन एनर्जीज की, इन क्वांटम नंबर की वैल्यू रख रख के अपन ने एनर्जी लेवल निकाले, और एनर्जी लेवल में कितनी स्टेट बन रही है हर एक एनर्जी लेवल के लिए वो अपन ने देखा। अपन देखते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर एक स्टेट बन रही है वहाँ डीजेनरेसी 1, जहाँ 3 बन रही है वहाँ डीजेनरेसी 3, जहाँ 6 बन रही है वहाँ डीजेनरेसी 6। इस तरीके से अपन ने 3D क्यूबिक बॉक्स में डीजेनरेसी के कंसेप्ट को अप्लाई करा।
ठीक है। डीजनरेसी का कंसेप्ट यही होता है कि एक एनर्जी लेवल के लिए या सेम एनर्जी लेवल के लिए कितनी स्टेट जनरेट हो रही है वहाँ पर, उनको अपन क्या बोलेंगे, डीजनरेसी। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया, डीजनरेसी का कंसेप्ट, सही है। अब अपन देखो आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो बताना फिर आप, सही है। हाँ जी चलो भाई आगे चलते हैं अपन। अब ये हो गया अपना, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना कुछ। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन 3D क्यूबिक बॉक्स के। भाई सिंपल क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उनमें, काम वही करना है अपन को सारा जब तक सीख के आए अपन। क्वांटम मैकेनिक्स में PIB मॉडल के अपने टोटल 10 लेक्चर हो जाएंगे आज समेत, और अपना PIB मॉडल टोटल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर की रिगार्डिंग जो अपना सिस्टम है, PIB मॉडल, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, ये अपना क्या हो गया आज कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके टोटल 10 लेक्चर हैं, क्लियर, 10 लेक्चर में अपना PIB मॉडल कंप्लीट होता है, और सारे लेक्चर करीब एक एक घंटे से ऊपर के ही हैं, तो करीब मान लो 10 घंटे के अराउंड अपना ये पूरा टॉपिक है PIB मॉडल। लेकिन इसमें अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, A to Z अपन ने पढ़ा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे अपन ने, कहीं पर किस कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा अपन ने, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं अपन साथ के साथ ही इसमें, ठीक है। और कभी वीकेंड में मैं एक क्लास ले लूँगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें क्वांटम के, और भी एग्जाम में आए हुए जो अपने क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चन को अपन लेंगे, ठीक है। और उसकी PDF, उन क्वेश्चन की PDF आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें लिंक में दे दूँगा, उस ठीक है वहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ PDF आप डाउनलोड कर लेना, उसको सॉल्व करना फिर आप, क्लियर है चीज़। हाँ जी देखो आगे चलते हैं अपन, आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप, कैलकुलेट द डिजेनरेसी ऑफ 3D क्यूबिक बॉक्स। देखो क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, कैलकुलेट द डिजेनरेसी इन 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स हैविंग एनर्जी हाँ जी हैविंग एनर्जी 14 H² है ये, ठीक है, 14 H² डिवाइडेड बाय 8 MA² ये L लिख दो, L दे रखा है आपको क्वेश्चन में, L लिख दो, क्लियर, ये दे रखा है आपको और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आपको क्या निकालना है, डीजनरेशन निकालनी है, इस ये एनर्जी दी हुई है आपको और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हाँ जी, A ऑप्शन में 2 है, B ऑप्शन में 4 है, C ऑप्शन में 6 है और D ऑप्शन में है 1, ये आपको निकालना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपको पहले सॉल्व खुद को सॉल्व करना है, इस वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करो, फिर आंसर देखना सही आता है नहीं आता, क्लियर है। हाँ जी देखना भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखो कैसे निकालेंगे अपन, मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है, एक नॉर्मल फंडा, जब भी आपसे एनर्जी से डीजनरेसी कंपेयर करवाए या डीजनरेसी पूछे एनर्जी से जब भी डीजनरेसी आपको निकालनी हो, तो उस केस में क्या करना, आप उस केस में आप एनर्जी को, जो गिवन एनर्जी है उसको एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना, जब एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो वहाँ से ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर जो हैं उनके स्क्वायर्स के सम का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। भाई एन की जो स्क्वायर है, NX² प्लस NY² प्लस NZ², इनके स्क्वायर का सम का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो चीज़ों को कंपेयर करके जनरल मैथ से। देखो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं हम, एनर्जी आपको क्या दी हुई है, 14 H² और 8 ML², और निकालने क्या है आपको, डीजनरेसी निकालने क्या है आपको, डीजनरेसी, सही है, और ये आपको एनर्जी दे दी यहाँ पर, ये आपको एनर्जी दी हुई है, सही है। देखो अब जनरल फार्मूला क्या होता है एनर्जी का जनरल फार्मूला, एनर्जी फॉर 3D क्यूबिक बॉक्स क्या होती है, देखो इधर H² डिवाइडेड बाय 8 ML², L लिया तो L ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, NX² प्लस NY² प्लस NZ², लो भैया, सही है। देखो इसको इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर दो गिवन एनर्जी को, लो भाई H² डिवाइडेड बाय 8 ML², हाँ जी NX² प्लस NY² प्लस NZ², लो भाई इसको कंपेयर करो किससे, 14 H² डिवाइडेड बाय 8 ML², जो कट रहा है पहले उसको काटो, क्वांटम का फर्स्ट रूल,
तो कट रहा है उसको दिखने मत दो यहाँ पर, एच कट स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर से स्क्वायर गया, एट एम एल स्क्वायर से एट एम एल स्क्वायर गया, बचा क्या, बचा क्या यहाँ पर देखना इधर, बचा क्या, हाँ जी देखो, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू निकला, बचा अपने पास 14, ये निकल के आया। मतलब यही तो अपन को निकालना है, मतलब क्या निकालना है कि जो तीन क्वांटम नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अब देखो इसको आप अगर थोड़ा नॉर्मल तरीके से करोगे तो पता नहीं क्या हो, लेकिन आप इसको एक जनरल मैथ जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, अपना आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो कैसे, ये 14 दे रहा है, यहाँ तक के स्क्वायर जो हो वहाँ तक उनके लिख लो एक बार, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है हाँ जी 16। आपको 14 तक देखना है, तो 14 तक कैसे देखोगे आप, इसमें किन किन के स्क्वायर का सम 14 बन सकता है, ठीक है। देखो किसी की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। मैंने बता रखा है आपको कि क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बता रखी है मैंने आपको, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी नंबर ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नोन एज द क्वांटम नंबर, सही है। देखो यहाँ से आप क्या रखो, आपको 14 लेके आना है सम, कितना लेके आना है 14, ये तीन क्वांटम नंबर का जो सम है आपको 14 लेके आना है। अब वो कैसे लाओगे आप, देखो जनरल मैथ अप्लाई करनी है, ये मैंने स्क्वायर लिख दिए इनके, ठीक है। तो आपको स्क्वायर तो चेक करना ही नहीं है, यहाँ से चेक करना है आपको, 16 में कुछ जोड़ोगे तो 16 वो तो पहले ही ज़्यादा हो गया, यहाँ से चेक करो 9 और 4 13 और 1 14, यहीं से आ गया, क्या आ गया, यहीं से आ गया 9 और 4 13 और 1 14, कि इन दोनों करोगे 9 और 9 और 4 तो होगा नहीं, 4 4 4 हो सकता है क्या, 4 थी 12 नहीं होगा, 9 4 1 ये हो गया, 9 9 9 1 1 हो सकता है क्या, 9 और 1 10 और 11 नहीं हो सकता, मतलब किसी भी केस में नहीं हो सकता। और केवल जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर 1 2 3, ये तीन नंबर निकल के आएंगे इस केस में, कितने नंबर निकल के आएंगे, ये तीन नंबर, सही है। अब इनकी जो डिजेनरेसी होगी वो किस तरीके से निकालनी है वो आपको पता होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इसका मतलब ये एक एनर्जी, मतलब इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या निकल के आएगा, 14, ये एनर्जी लेवल निकल के आ गया। अब इसके लिए स्टेट कैसे निकालेंगे अपन, देखो स्टेट चेक करने का मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है, सिंपल सा फंडा। आप क्या करोगे यहाँ पर, एक को कॉन्स्टेंट रख के दोनों को चेंज करते जाओगे, पहले रखा 1 2 3, फिर क्या रखोगे आप 1 2 3 के बाद, 1 को कॉन्स्टेंट रख के 3 2 कर दो, सही है। फिर क्या करो आप 2 को ले लो, 2 को 2 की जगह 1 और 3 लिख दिया आपने, अब 2 को कॉन्स्टेंट रखो यहाँ पर, 2 को कॉन्स्टेंट रखा आपने और क्या करोगे 3 और 1 लो भैया, फिर आप 3 लोगे, फिर 1 और 2 कर दोगे और 3 को कॉन्स्टेंट रख के इन दोनों को घुमा दो 2 1। क्या करना है आपको, एक नंबर लिया दोनों को घुमा दो, फिर दूसरा नंबर रखो दोनों को घुमा दो, फिर तीसरा नंबर लो फिर दोनों को घुमा दो, ये ऐसे आपको स्टेट निकालनी है, सही है। स्टेट कितनी निकल के आई, 6 स्टेट निकल के आई, हेयर 6 स्टेट्स एग्जिस्ट फॉर द एनर्जी लेवल, फॉर दिस एनर्जी लेवल, सही है। सो डीजेनरेसी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डीजेनरेसी है वो कितनी निकल के आ रही है, देखो भाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, डीजेनरेसी कितनी निकल के आ रही है भैया 6, कितनी निकल के आई डीजेनरेसी यहाँ पर 6, लो भाई सही है। कोई दिक्कत है किसी को भी यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बता दो, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया किसी को भी, हाँ जी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्लियर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, उसको समझना आप यहाँ पे, क्लियर है। देखना भाई क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द डीजेनरेसी, हाँ जी कैलकुलेट द डीजेनरेसी, कैलकुलेट द डीजेनरेसी, कैलकुलेट द डीजेनरेसी, हाँ जी ऑफ लेवल ऑफ 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स हैविंग एनर्जी, हाँ जी एनर्जी कितनी दी हुई है
54 h का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ml स्क्वायर। लो भैया ये एनर्जी दी हुई है आपको, और इसके लिए पूछ रहा है आपसे वो डीजनरेसी कितनी होगी। क्लियर, इसके लिए क्या पूछ रहा है, डीजनरेसी कितनी होगी। उसने ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको। लो भैया ऑप्शन क्या क्या है, एक दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको 4, हाँ जी 3 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको 4। ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, आपका जैसे हो जाए फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम कर देना, ठीक है। हाँ जी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको, वही अरे अपन को कुछ नहीं करना, जब भी आपको डीजनरेसी पूछे, डीजनरेसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो एनर्जी दी हुई है, जो गिवन एनर्जी है, उसको एनर्जी के जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करो और एनर्जी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, देखो निकालने अपन एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अपन एनर्जी। देखो भाई जनरल फॉर्मूला क्या है अपना, जनरल फॉर्मूला क्या है वो ये रहा, देखो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर। इससे कंपेयर करते हैं अपन एनर्जी को, सीधे कंपेयर करते हैं एक बार। देखो एच स्क्वायर ये एच कट की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन एच कट की फॉर्म में जब अपना फॉर्मूला दे तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एच कट का फॉर्मूला अलग होता है अपना। एन स्क्वायर देखो एच कट का फॉर्मूला क्या होता है, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ml स्क्वायर, और फिर ये होता है। लो भैया उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, मैं लिख देता हूँ उसको एच कट की फॉर्म में। हाँ जी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml स्क्वायर, और देखना भाई एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, हाँ जी इज इक्वल टू क्या है 54 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ml स्क्वायर। लो भाई कंपेयर करते हैं, आ जाओ देखो सुनो जो कट रहा है उसको काटते जाओ इन भाई साहब से, तो ये दोनों गए सही है, एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काट दो 27 बार गया, कितनी बार गया 27 बार, मतलब जो तीनों क्वांटम नंबर के स्क्वायर का सम बचा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम जो बचा कितना बचा 27, कितना बचा 27। कोई डाउट है किसी को भी, हाँ जी कोई डाउट है किसी को भी किसी भी तरीके का, नहीं है। अब देखो वापस से अपन को वही काम करना है, वही काम करना है, मतलब तीनों के स्क्वायर का सम 27 लेके आना है, तो पहले स्क्वायर लिख दो सारे। सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक और ले दो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये इससे आगे तो बढ़ेंगे नहीं अपन, जो आएगा यहीं तक आ जाएगा, सही है। देखो क्या क्या आ सकता है 27, अपन कैसे कैसे ला सकते हैं, देखो 4 4 4 नहीं आ सकता, 9 9 9 27, तीन इस तीन के स्क्वायर को अपन 3 बार लिख दें, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 27 आ रहा है, इसका मतलब 3 3 3। लो भैया ये आ गया, क्या आ गया 3 3 3, इससे अपन 27 ला सकते हैं आराम से। क्लियर, देखो 9 9 9 क्या आ रहा है 27 आ रहा है, 3 का स्क्वायर सम करा 27 आ गया। क्लियर, लेकिन ध्यान रखना ये कि यही केवल आंसर नहीं है, आप और भी चेक करो आगे, क्या पता और भी स्टेट निकल जाए या और भी पॉसिबिलिटी निकल जाए। देखो और क्या हो सकता है क्या, देखो 27 लाना है, इन मतलब इन तीनों को जोड़ के लाओ कैसे भी, 25 को 16 में जोड़ा हो नहीं सकता, 25 को 9 में जोड़ा हो नहीं सकता, मतलब ज़्यादा हो जाएगा 27 से, 25 को 4 में जोड़ा तो 25 और 4 29, तो अभी तो एक और बच रहा है, ये हो नहीं सकता, 25 में एक जोड़ा 26, फिर एक जोड़ोगे 27, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 1 1, देखो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 26 और फिर 1 का स्क्वायर 27 हो गया, मतलब ये आ रहा है 511 और आ रहा है, क्या आ रहा है 511, एक नंबर और आ गया 511, दैट मीन्स 511 हो गया, 151 हो गया, और हाँ जी 1115 हो गया, 115 हो गया। लो भाई कितनी स्टेट निकल के आई, 1 2 3 4, क्या और भी निकल सकती हैं, और जोड़ के देख लो, 16 में जोड़ो 9 को 25 हो गया, 16 में 25 जोड़ा है ना, 16 में 9 जोड़ा 25 हो गया, और कुछ जोड़ सकते हो क्या, फिर एक हो 26 होगा, 9 9 4 हो नहीं सकता, 16 16 32 हो, मतलब कुछ नहीं हो सकता इसके आगे, यहीं तक है केवल ये कंसेप्ट। क्लियर, मतलब 4 स्टेट निकल के आ रही, कितनी स्टेट निकल के आई 4 स्टेट, देखो 4 स्टेट निकल के आई यहाँ से, 4 स्टेट्स एग्जिस्ट, सही है, और 4 स्टेट एग्जिस्ट करी, इसका मतलब डीजनरेसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, फॉर दिस एनर्जी लेवल, सही है। तो यहाँ पर जो डीजनरेसी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, यहाँ पर जो डीजनरेसी निकल के आई, इधर जो डीजनरेसी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 4, कितनी निकल के आई 4, और 4 ये देखो यहाँ पर आंसर जो आया था अपना वो क्या था, 6 6, किस में था सी, तो सी इज़ द आंसर, यहाँ पर देखना डीजनरेसी कितनी है 4 4, मतलब किस में, डी में, तो आंसर क्या हो गया अपना डी, सही है, डी अपना क्या हो गया आंसर। बोलो भाई
कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके की? नहीं है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आज का सेशन अपन यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे इसको। अपना पीआईबी मॉडल कंप्लीट तरीके से पूरा हो जाएगा आज, सही है? किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो बताओ भाई इसमें, नहीं है? अब आगे चलें। हाँ जी सही है, देखो सुनना भाई ध्यान से। अब हाँ जी इसको कर लो, उतारो उसको। देखो मैं बात कर रहा हूँ 3D क्यूबिक बॉक्स की। 3D क्यूबिक बॉक्स में देखो, 3D क्यूबिक बॉक्स में मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक ये और एक ये वाला। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको एनर्जी दी है, एक में दिया है एच के फॉर्म में, एक में दिया है एच कट के फॉर्म में। कुछ नहीं करना, किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी दे उसको सेम एनर्जी के सेम फॉर्मेट वाला जो जनरल फॉर्मूला है उससे कंपेयर कर लेना। वहाँ से आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर जो है उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो निकाल लोगे और उसको फिर जनरल मैथ से कंपेयर करके आप वहाँ पर स्टेट निकाल लोगे कि कितनी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है फॉर द सेम एनर्जी लेवल। उस सेम एनर्जी लेवल के लिए कितनी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वही अपनी क्या होती है, डिजेनरेसी। उसको निकालना बहुत आसान होता है, ये सिंपल है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए भाई। गलत यहाँ पर क्या होगा, जनरल मैथ्स लगानी पड़ती है। मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से कंपेयर कर लेना, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, बहुत आसान तरीके से इसी कंपेयर हो जाते हैं ये, ठीक है? और ये ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, डिजेनरेसी निकाल सकते हो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है? बहुत आसान होता है भाई जी, बहुत आसान होता है। डीजेनरेसी का क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया और आपको ये 4 नंबर देके जाएगा या 2 नंबर दे जाएगा बी या सी पार्ट में, जिसमें भी आएगा ये। क्लियर? तो थोड़ा सा बस आराम से पेशेंस से करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है चीज़? देखो अब अपन आगे चलते हैं। एक मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी में ही, वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ डीजेनरेसी का ही। उसको आप बहुत ध्यान से सॉल्व करना, उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना। उसमें मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट लिया है एक, क्लियर? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको आप सॉल्व करना, वो नेट के एग्जाम में आया हुआ भी है। क्लियर है चीज़? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भैया, उसको मिटा रहा हूँ मैं। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप समझना भाई, समझना भाई उस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन समझना, वो क्वेश्चन क्या है, कहीं दिक्कत हो तो बताना फिर, ठीक है? उसने जो एनर्जी दी है आपको, उसने आपको एनर्जी जो दी है वो ये ना देखे, मतलब लिया ये क्वेश्चन सेम है। कैलकुलेट द डिजेनरेसी ऑफ लेवल ऑफ 3D क्यूबिक बॉक्स ऑफ 3D क्यूबिक बॉक्स हैविंग एनर्जी। इसने एनर्जी दी आपको 33, कितनी दी है देखना भाई, 33। हाँ जी, हैविंग एनर्जी 33 एच कट स्क्वायर, इसको पूरा लिख देता हूँ एक बार। हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू 33 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। ये आपको एनर्जी दी है इसने, ये आपको क्या दी है, एनर्जी, और आपसे पूछ रहा है वो, और आपको ऑप्शन भी दे दिए उसने, आपको ऑप्शन भी दे दिए कि ए इज इक्वल टू क्या है। हाँ जी देखो, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू, हाँ जी 8, एंड डी इज इक्वल टू आ गया अपना 12। ये आपसे क्वेश्चन दिए, ये आपको 4 ऑप्शन दिए इसने और आपसे पूछ रहा है वो बताओ डीजेनरेसी क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो खुद, और बहुत ध्यान से सॉल्व करना है इसको, ठीक है? बहुत ध्यान से सॉल्व करना, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, आपको बहुत ध्यान समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं धीरे आप जैसे ही आप रिज्यूम करोगे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? देखो देखो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप खुद भी इसको ट्राई करना पहले खुद। देखो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है डीजेनरेसी पूछा है, पूछा क्या है पहले तो डीजेनरेसी, समझना इस बात को। डीजेनरेसी पूछी गई है आपसे, डीजेनरेसी, और एनर्जी जो दी है आपको वो ये एनर्जी दे दी, आपको एनर्जी दे दी इसने कितनी, 33 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है? अब इस एच कट स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार कि एनर्जी, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी 3D क्यूबिक बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स में क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, 3D क्यूबिक में क्या होता है देखना भैया, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर, हाँ जी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये होता है। अब क्या करेंगे, दोनों एनर्जी का जो गिवन एनर्जी उसको और जनरल एनर्जी का फॉर्मूला, इन दोनों कंपेयर करते हैं अपन, कंपेयर कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ले देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग बोथ एनर्जीज, हाँ जी दोनों एनर्जी को कंपेयर करते हैं एंड वी गेट हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा देखना भाई। देखो इधर कंपेयर कर रहा हूँ मैं, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर, हाँ जी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 33 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर। लो भाई देखो
जो कट रहा है उसको काटो पहले, क्वांटम का पहला रूल, एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर, इससे ही काट दिया अपन ने, सही है। इस एम एल स्क्वायर से इस एम एल स्क्वायर को काट दिया अपन ने, इस दो को उधर भेजोगे आप कितना हो जाएगा 36, दो जो है इस 33 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना भैया, दो जो है दो, ये दो है जो है ये इस 33 से मल्टीप्लाई होगा, ये दो इस 33 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से इन तीनों क्वांटम नंबर जो है इनके स्क्वायर का सम क्या निकल के आ रहा है वो देखना भाई, ये तीनों क्वांटम नंबर के स्क्वायर का सम जो निकल के आ रहा है कितना निकल के आएगा 66, कितना निकल के आ रहा है 66। अब अपन को ये चेक करना है कि यहाँ से कितनी स्टेट जनरेट हो सकती है, क्लियर। उसके लिए क्या करो, 66 तक के जो फॉर्मूले हैं मतलब स्क्वायर्स हैं उनको लिख लो एक बार, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, हाँ जी लिखते जाओ, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर तो फिर 81 हो गया, यहाँ तक तो अपन को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। देखो भाई ये लिख लिया अपन ने, अब अपन को यहाँ से स्टेट निकालनी है, स्टेट कैसे निकालेंगे अपन, देखो 66 अपन को तीन के स्क्वायर का सम निकालना है, तीन स्क्वायर का सम आपको क्या निकालना है 66, वो अपन कैसे निकालेंगे देखो, देखना भाई सुनना ध्यान से, 66 आना चाहिए, कैसे निकालेंगे, एक तो आप क्या करो 8 का स्क्वायर आप खुद भी दिमाग लगाना है इसमें, देखो खुद दिमाग लगाना कितनी स्टेट बन सकती है, जहाँ अगर गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन में गलती होगी, देखो ठीक है, क्योंकि यहाँ से जनरल मैथ्स के क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं क्वांटम के लिए वो चार नंबर देके जाएगा तो फिर आपको बहुत दुख होगा आगे जाने के बाद, वो उसको पता है इसने पहले नेट का एग्जाम दिया हुआ है, एक चार नंबर का क्वेश्चन सिलेक्शन करवा देता है, वो बाहर करवा देता है सिलेक्शन से और वही सिलेक्शन करवा देता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो आपको 66 लाना है, 8 का स्क्वायर 64 है, इस 64 में आप क्या जोड़ो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया, इस 8 का स्क्वायर में 8 कितना हुआ 64, 64 में 1 का स्क्वायर जोड़ो फिर 1 का स्क्वायर जोड़ो मतलब 811 मतलब 66 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 64 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन 66, इसका मतलब जो नंबर लिख आ गए उन नंबर को मैं लिखते जा रहा हूँ, अब यहाँ पर उन नंबर को मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ब्लू कलर से लिख रहा हूँ उनको मैं, देखो क्या क्या आया, एक तो आया 811 मतलब 811 आया, तो 811 क्लियर, एक स्टेट बनी, इसको मैं सारे लिख रहा हूँ 811 188 सही है, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ जी 188 थोड़ी आएगा सॉरी 118 और एक आ जाएगा अपना, हाँ जी देखो भाई 811 118 और एक आ जाएगा 181 181, लो भैया तीन स्टेट बन गई है, 1 2 3, ये जो बनी किस नंबर से बनी है 818 से, किससे बनी, इस 118 नंबर आया अपना इससे बनी, क्लियर है चीज़। देखो अब नेक्स्ट कुछ और बन सकता है क्या, लगाओ 66 लाना है आपको 66, देखो इन तीनों को जोड़ने से तो होगा नहीं 25 25 25, होगा नहीं 25 25 16, देखो एक बार इधर देखना 25 25 16 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो 25 और 25 50 50 और 16 66, लो भैया एक और आ गया, देखो 25 25 और 16 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, देखो वापस एक नंबर निकल गया अपने पास, क्या निकल के आया 554, क्या निकल के आया 554, इस 554 से आप क्या बनाओगे, फिर स्टेट बनाओगे, मैंने आपको बता रखा है वैसे भी सिखा रखा है मैंने आपको कि जब भी आपको दो नंबर सेम मिले एक डिफरेंट मिले तो उस केस में तीन स्टेट निकल के आएंगी, मतलब तीन डिजेनरेसी जो होगी वो तीन हो गई, इसके लिए देखो दो नंबर सेम थे एक अलग था तो तीन स्टेट निकल गई, फिर दो नंबर सेम है एक अलग है तो फिर स्टेट कितने निकल के आएंगे तीन, निकाल के निकाल लो आप 5 5 4 5 4 5 और एक आ जाएगा 4 5 5, लो भाई ये निकल के आ गई, कितनी स्टेट आ गई 1 2 और 3, फिर से तीन स्टेट आ गई, सही है। इसका मतलब अभी भी खुश मत हो जाना कि पहले आपको देखो ऑप्शन में 6 दे रखा है, पहले से ही एक आपको ऑप्शन में 6 दे रखा है, आपने दो निकाली और खुश हो गए कि देखो पहला आंसर, लो आंसर वहीं गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा वहीं गलत हो जाएगा, आपने अगर ये निकाला तीन, क्या पता तीन भी दिया होता तो आप तो खुश हो जाते पहले ही, अब 6 दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 6 देखिए भाई खुश मत होना, क्या पता और वो भी स्टेट और चेक करते हैं भी अपन, और चेक करते हैं अपन एक बार अभी, सही है। देखो क्या 66 और बन सकता है, देखो 66 और कैसे बन सकता है, देखो 9 16 25 बन सकता है क्या, 16 और 9 25 25 और कितना हो गया 25 25 50 हो गया, नहीं हो सकता, 36 और 25 36 और 25 कितने होते हैं 61 61 में 5 5 कहीं है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, 7 का स्क्वायर प्लस 36 से तो ज़्यादा हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 25 7 का 49 और 25 कितने होते हैं 49 और 25
हाँ जी 64, फिर एक जोड़ेंगे तो 65 होगा, 66 नहीं होना, और दो है नहीं कहीं पर। लो भैया 8 का स्क्वायर 64, 64 में एक जोड़ी दिया अपन ने 8, एक एक तो ये हो ही गया, इससे 8 से नीचे तो जा नहीं सकते अपन अब। तो इसमें कुछ और देख लो, 7 का स्क्वायर 49, 49 में आप क्या जोड़ो 25, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार 14 जोड़ो, 79 16, 49 में 16 जोड़ो आप, कितना आया 49 में 16 जोड़ो 65, और 1 का स्क्वायर 1 कर दो, 65 प्लस 1 कितना हो गया 66, एक और नंबर आ गया, एक नंबर और आ गया भैया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 49 और 16 65, 65 और एक 66। लो भैया एक नंबर और आ गया, देखो कौन सा नंबर आया, देखना भाई, देखना भैया 741 कितना आया 741। लो भैया एक और आ गया 741, एक नंबर और आ गया 741। अब ये 741 जो आया इसका मतलब क्या है, देखो 741 में कितनी स्टेट निकल रही हैं, स्टेट कितने निकल रहे हैं, देखो 741 में तीन नंबर हैं अलग अलग, तीन नंबर है, मैंने बोला तीनों अगर नंबर, दो नंबर सेम एक डिफरेंट हो तो डिजेनरेसी कितनी आती है तीन, लेकिन तीनों ही अलग अलग नंबर हो तो डिजेनरेसी कितनी आती है छः। वो कैसे आती है, एक को कॉन्स्टेंट रख के दोनों को घुमाते जाओ, सही है, देखो कैसे करोगे, देखो भैया सुनो ध्यान से 741 सही है, एक तो ये आ गया, एक आ जाएगा 714 ये आ गया, फिर एक एक को वापस लिख दो आप, अब वन लो 147 लो भैया, फिर क्या करो 174 ये लो भैया, फिर आप फोर लो 471 फिर आप ले दो 417 लो भैया, कितनी स्टेट आई 1 2 3 4 5 6 कितनी स्टेट निकल के आई 6 सही है। ये जो स्टेट निकल के आई ये तो आई इसके लिए तीनों, ये तीनों स्टेट निकल के आई इसके लिए, और ये 6 की 6 स्टेट जो निकल के आई ये वाली ये आई इसके लिए भैया, सही है, बोलो कोई दिक्कत हो। तीन स्टेट इस नंबर से निकल के आई, इस नंबर से तीन स्टेट निकल के आई, इन तीनों नंबरों से 6 स्टेट निकल के आई, देखो 6 और 3 9 और 3 12, किसी ने अगर ये दोनों नंबर ही निकाले थे तो उसकी तो 9 आ गई एक इन दोनों से, तो इन दोनों को निकाला तो 6 ही आई और तीनों निकाला तो 12 आई, देखो कितना फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक है, कहीं पर भी गलती हुई तो सारा पूरा मामला बिगड़ जाएगा, क्या पता और भी हो सकती हैं, सही है, और लेकिन अपन ने सारी पॉसिबिलिटी देख ली, क्या पता और भी हो तो भी आप उसको चेक करना, जब तक आप पूरी तरीके सेटिस्फाई ना हो तब तक आप हार मत मानना उसमें, क्लियर है चीज़। लो भैया कितनी स्टेट निकल के आई 6 और 3 9 और 3 12, इसका मतलब स्टेट कितनी आ गई 12 स्टेट आ गई टोटल, 12 स्टेट्स निकल के आई, कितनी स्टेट निकल के आई 12 स्टेट, सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो डीजनरेसी है कितनी निकल के आएगी, डीजनरेसी इक्वल टू कितनी आ गई भैया 12। लो भाई डीजनरेसी यहाँ पर कितनी आ गई 12, डीजनरेसी 12 आने का मतलब आंसर क्या है, डी इज द आंसर, आंसर क्या हो गया डी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी बात समझ में आई या नहीं आई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब आंसर क्या आ गया अपना डी, डी इज़ द आंसर। लो भैया डी इज़ द आंसर, इधर कौन सा आंसर था, इधर भी डी था आंसर, इधर सी था सॉरी, इधर आंसर कौन सा था सी। लो भैया बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। हाँ जी देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डीजनरेसी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डीजनरेसी के, आपको जो भी बोले जो भी एनर्जी दे आपको उस एनर्जी को आप क्या करना और जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आपको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करना है और ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर को आपको जो उनके स्क्वायर्स का सम है वो निकाल लेना, वो निकलने के बाद तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, बस जनरल मैथ्स लगानी है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये जब अपन बात कर रहे हैं 3D क्यूबिक बॉक्स की, अपन किसकी बात कर रहे हैं 3D क्यूबिक बॉक्स में, आपसे पूछा डीजनरेसी का कंसेप्ट, डीजनरेसी का कंसेप्ट आपसे पूछा गया है 3D क्यूबिक बॉक्स में, तो उस केस में आप क्या करना, आपको एनर्जी दी हुई है, जो भी एनर्जी दे चाहे एच की फॉर्म में दे चाहे एच कट स्क्वायर की फॉर्म में दे किसी फॉर्म में दे 3D क्यूबिक बॉक्स में एनर्जी, आपको एनर्जी किसी भी फॉर्मेट में दे 3D क्यूबिक बॉक्स में, आप क्या करना उसको हमेशा जनरल फॉर्मूला जो होता है उससे कंपेयर कर लेना। लो भैया ये जनरल फॉर्मूला था अपना, ये क्या था अपना जनरल फॉर्मूला, सही है ये अपना जनरल फॉर्मूला था,
क्या करना है आपको, जो भी आपको एनर्जी दे, देखो 3D क्यूबिक बॉक्स में आपको जब भी डिजेनरेसी पूछे उस केस में आप क्या करना, जो भी आपको एनर्जी दे उस एनर्जी को जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना, चाहे एच का हो चाहे वो एच कट स्क्वायर का हो, कोई सा फॉर्मूला हो उसे कंपेयर करोगे तो आपको जो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर है इनके स्क्वायर का सम आपको पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा उसको जनरल मैथ से आप कंपेयर कर लेना, और जनरल मैथ से आप स्क्वायर जो होते हैं इनके आप कंपेयर कर करके वहाँ से आप स्टेट निकाल लेना कि कितनी स्टेट वहाँ पर जनरेट हो रही है पर्टिकुलर किसी एक एनर्जी लेवल के लिए। एक एनर्जी के लिए जितनी स्टेट जनरेट होती हैं वही क्या होती है, डिजेनरेसी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट फॉर द सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डिजेनरेसी। क्लियर, डिजेनरेसी का कंसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती हो किसी एक एनर्जी लेवल के लिए। मैंने ऑर्बिटल से भी कंपेयर करके बताया था आपको जब मैंने आइगन वैल्यू इक्वेशन बताई थी। क्लियर, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 2D और 3D क्यूबिक बॉक्स में। आज 3D अपना कंप्लीट हो गया, आज अपना टोटल कंप्लीट PIB मॉडल कंप्लीट हो गया, सही है। देखो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना आप। देखो आज अपने PIB मॉडल के टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए। 10 लेक्चर में अपन ने पूरा 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स अच्छे से कंप्लीट करा। लास्ट लेक्चर नवा लेक्चर था PIB मॉडल का, ये PIB मॉडल का 10वां लेक्चर है। 10वें लेक्चर में अपन ने 3D बॉक्स को कंप्लीट करा, नवे लेक्चर में 2D बॉक्स को कंप्लीट किया था, सही है। और बाकी 8 लेक्चर में PIB मॉडल के 1D बॉक्स को कंप्लीट किया, उसमें मैंने आप कितने कंसेप्ट लिए थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि 1D बॉक्स क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ टनलिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फीचर कैसे होते हैं, साई और एक्स के ग्राफ क्या होते हैं, साई स्क्वायर के ग्राफ क्या होते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं और उसमें सिमेट्री कैसे देखते हैं वेव फंक्शन में और ग्राफ में। उसके बाद मैंने आपको नोड चेक करके बताया कि नोड कैसे देखते हैं जहां वेव फंक्शन अपना जीरो होता है बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के। उसके बाद मैंने आपको उसको वेवलेंथ से कंपेयर करके बताया कि द बॉक्स, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद वेव फंक्शन के बारे में बताया कि वेव फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा अगर माइनस एल से प्लस एल लेंथ का बॉक्स होता है तो वो उस पर क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर जाता है, इवन और ऑड में। इवन में अपना साइन की टर्म में चलता है और ऑड में कॉस की टर्म में चलता है। फिर मैंने आपको बताया कि कब क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच कर जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि हायर वैल्यू ऑफ एन पर क्वांटम क्लासिकल को अप्रोच कर जाता है वहाँ पर बोर करेस्पोंडेंस प्रिंसिपल वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको एवरेज वैल्यू के बारे में बताया कि एक्स एवरेज क्या, एवरेज वैल्यू मैंने आपको 3-4 वैल्यू बताई थी वो आपको याद करनी है। एक्स एवरेज क्या होता है, L/2, एक्स स्क्वायर एवरेज क्या होता है, L²/3 माइनस L²/2n²π², PX average 0, PX² का एवरेज क्या होता है, N²h²/4L², ∂PX क्या होता है, ∂x क्या होता है, पोजिशन इन अनसर्टिटी इन पोजिशन, L²/12 माइनस L²/2n²π² का अंडर रूट। उसके बाद मैंने ∂PX बताया NH/12, और बाकी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि एक्स की पावर एन का जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालना है किसी भी पावर के लिए तो 1/L और जो आपको दिया हुआ है एक्स की पावर एन का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके एल तक, वो आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर एन का एवरेज। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको 2D बॉक्स के बारे में बताया। 2D बॉक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि 2D बॉक्स में आपको वेव फंक्शन निकालना है, एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी से आपको क्या निकालना है, डिजेनरेसी का कंसेप्ट। डिजेनरेसी कंसेप्ट क्या है कि एक एनर्जी लेवल के लिए कितनी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो अपना क्या हो जाता है, एनर्जी का डिजेनरेसी का कंसेप्ट हो जाता है। 3D में भी अपन ने यही करा, 2D में भी अपन ने यही करा, अपन ने वेव फंक्शन निकाला, वेव फंक्शन निकालने के बाद एनर्जी निकाली, और एनर्जी निकालने के बाद डिजेनरेसी निकाली, अपने स्टेट पर कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, सही है। वेव फंक्शन हमेशा कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, एनर्जी में से एडिटिव होती है। क्लियर है चीज़, वेव फंक्शन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव, एनर्जी में से एडिटिव होती है। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, सही है। उसके बाद डिजेनरेसी कंसेप्ट क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्टेट फॉर द सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डिजेनरेसी, ठीक है। वो अपने 2D में चलता है, 3D में चलता है, लेकिन 2D के स्क्वायर बॉक्स में और 3D के क्यूबिक बॉक्स में चलते हैं अपना कंसेप्ट ऑफ डिजेनरेसी, इसको अपन कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन सोल्व करें, मैंने आपको बोला कि डिजेनरेसी क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करेगा, वो एनर्जी देगा और आपसे डिजेनरेसी पूछेगा। एनर्जी आपको एच की फॉर्म में दे सकता है, एच कट की फॉर्म में दे सकता है, वो जिस फॉर्मेट में दे उसको उस फॉर्मेट के फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेना, और वहाँ से आप ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर के स्क्वायर्स का सम वो निकाल लोगे, उसको फिर आप जनरल मैथ्स के थ्रू, मतलब स्क्वायर्स के जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं इनसे कंपेयर करके आप स्टेट निकाल लेना, जितनी स्टेट पॉसिबल हो उतनी क्या हो जाती है, डिजेनरेसी हो जाती है फॉर द सेम एनर्जी लेवल। ये था अपना कंसेप्ट ऑफ डिजेनरेसी और टोटल PIB मॉडल। बोलो भैया, PIB मॉडल में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने आपको टोटल 1D बॉक्स के रिगार्डिंग जितना मैटर था वो सारा करा दिया, 2D बॉक्स का पूरा करा दिया, 3D बॉक्स का पूरा करा दिया। अब पार्टिकल इन 1D बॉक्स में से ट्रांसलेशनल, हाँ जी, ट्रांसलेशन मोशन के रिगार्डिंग जो अपना मॉडल सिस्टम होता है पार्टिकल इन बॉक्स PIB मॉडल, वहाँ से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे सॉल्व होगा अब, ठीक है। मैंने पूरा क्वांटम कराई है किसकी, PIB मॉडल की, इतनी क्वांटम कोई नहीं कराता भैया,
ठीक है, मैंने आपको 10 लेक्चर कराए, 10 लेक्चर में मैंने एक से सवा घंटे के लेक्चर हैं, करीब 11 घंटे के लेक्चर बनते हैं अपने टोटल सारे लेक्चर मिलाए तो अपन, तो 10 से 11 घंटे के लेक्चर हैं अपने, सब में मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया है आपको। ठीक है, तो PIB मॉडल आज अपना खत्म होता है पूरा, कल मैं लेके आऊँगा SHO मॉडल, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सही है, अपन क्या पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूनिट वन में, वो अपना सबसे मेजर पार्ट था। इसमें अपने चार सिस्टम चलते हैं, हमने चार जो मोशन है वो चलते हैं, पहला मोशन चलता है अपना कौन सा, वाइब्रेशन ट्रांसलेशनल, दूसरा चलता है वाइब्रेशन, तीसरा अपना चलता है इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा चलता है अपना रोटेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग सिस्टम अपना PI मॉडल खत्म हो चुका, SHO कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो SHO को अपन देख लेंगे, उसको 5 से 6 लेक्चर में खत्म कर देंगे अपन, 5 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा अपना SHO मॉडल। फिर हाइड्रोजन एटम, वो बहुत बड़ा लेक्चर है, वो अपना वो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन लेंगे रिजिड रोटर और अपना यूनिट फर्स्ट खत्म, फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद अपन सेकंड यूनिट पे आएंगे, वो होगा अपना एप्रोक्सीमेशन मेथड पर। क्लियर, तो कल मैं लेके आ रहा हूँ अभी आपके सामने वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग, हाँ जी वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग सिस्टम अपना SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर, उसमें भी अपन पढ़ेंगे 1D SHO, 2D SHO और 3D SHO, तो वो ज़्यादा इतना बड़ी बात नहीं है, 2D और 3D तो वापस से इसकी तरह रहेंगे, वो भी वहाँ पर भी क्या चलेगा कंसेप्ट ऑफ डिजनरेसी, तो उनको तो अपन फटाफट से निपटा देंगे एक क्लास में ही। 1D SHO जो है वहाँ पर भी वही चलेंगे, एवरेज वैल्यू चलेगी, उसका वेव फंक्शन निकलेगा, वेव फंक्शन निकलने के बाद वहाँ पर एवरेज वैल्यू चलेंगी, वहाँ पर कंसेप्ट चलेंगे, ग्राफ चलेंगे, वहाँ पर भी नोड चलेंगे, तो ये चीज़ अपन को देखनी है कहाँ पर, 1D SHO में। तो जो चीज़ें अपन ने इसमें देखी 1D बॉक्स में, वो सारी चीज़ें 1D SHO में देखेंगे, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी अपने लिए, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम हो जाएगा अपना, सही है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, कल मैं लेके आ रहा हूँ SHO मॉडल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग, वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग अपना मॉडल है SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अपना कंप्लीट होने के बाद अपन, हाँ जी, कुछ दिनों बाद अपन ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा मैं क्या डेट रहेगी ऑर्गेनिक की, और मैं नेम रिएक्शन रिएजेंट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मुझसे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के। क्लियर, मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, और मैं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बचा हुआ है उसको मैं कभी भी करा दूंगा, लेकिन पहले मैं इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन, मतलब रिएक्शन लेके आऊँगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स, ये मैं लेके आऊँगा, और वहाँ पर नेम रिएक्शन में मैं आपको कंसल्ट कराऊंगा हर एक इंटरमीडिएट। अपन क्या करेंगे, इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग जितने भी नेम रिएक्शन हैं उन सबको एक साथ ले लेंगे, ताकि अपना कन्फ्यूजन नहीं हो कहीं पर भी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से चलेंगे अपन। क्लियर है, ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, यहीं पर ख़त्म करता हूँ उसको, और अपना PIB मॉडल कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में। आज का लेक्चर नंबर 30 था, लेक्चर नंबर टोटल लेक्चर देखे क्वांटम के, तो लेक्चर नंबर 30 है, और PIB मॉडल का लेक्चर नंबर 10 है ये। ठीक है, पार्ट 10 ये अपना कंप्लीट हो चुका है, तो 30 लेक्चर तक अपनी PIB मॉडल कंप्लीट हो गया, और अपने क्वांटम का काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो अपन यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। प्लीज़ जो लोग नीडी हैं वहाँ तक वीडियोज़ को पहुँचाओ, वहाँ तक शेयर करो, इसको लाइक करो वीडियोज़ को, ताकि जो लोग नीडी हैं, जिनको एक्चुअली ज़रूरत है पढ़ने की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको बहुत, उनके लिए हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाओ, आपको शेयर ही तो करना है सिर्फ ये। ठीक है, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और हमारे वीडियोज़ को आगे पहुँचाओ, जो लोग नीडी हैं, एक्चुअल हैं, जिनको नीड है, वहाँ तक पहुँचा दो इन वीडियो को, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।